सोमवार को विश्व रत्न भारतीय प्रजातंत्र के संस्थापक आर्थिक राजनीतिक एवं विधि विशेषज्ञ कमजोर वर्गों एवं नारी शक्ति के संरक्षक परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस पर सोमवार को अंबेडकर पार्क स्थित सिविल लाइन में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य एवं संचालन किशन पाल सिंह राष्ट्रीय महामंत्री ने किया। बैठक में संगठनों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। संध्या के समय बाबा साहेब के चित्र पर दीप प्रज्वलित किए गए। वक्ताओं ने अपने कथन में बताया कि बाबा साहेब ने भारत का संविधान लिखकर हमारे देशवासियों को सम्मान मताधिकार दिलाया, उन्हें सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाबा साहेब ने नारी एवं पुरुष दोनों को समान अधिकार दिलाए तथा देश के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान लिखा। कार्यक्रम में निम्न लोग मौजूद रहे: महावीर प्रसाद मौर्य, किशन पाल सिंह, राम अवतार सिंह, एम के सागर, बी एस बोध, एम पी सिंह, जे पी मौर्य, मेघराज सिंह, चंदन सिंह रैदास, जयप्रकाश सिंह, जवाहर सिंह, ऋषिपाल सिंह, राहुल कुमार, दीपक कुमार, निर्जा सिंह, अशोक कुमार, करण सिंह, रूपवती, राजेश कुमार, ओम प्रकाश सिंह, शिवम बोध, ज्ञानवत, सत्येंद्र मोहन, विजेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। जी आज से अंबेडकर पार्क में क्या कार्यक्रम? आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन बाबा साहब हमसे विदा हो गए थे और पूरा देश आज बाबा साहब को नमन कर रहा है। बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया है और देश के संविधान में देश के लोगों के जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं, आज उनकी चर्चा परिचर्चा हो रही है कि हमारे देश का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। और अमेरिका में भी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा जी, उन्होंने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज के उपाधि से नवाजा है। और हमारे देश में जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं के आर नारायण जी, उन्होंने भी जो है बाबा साहब के बारे में कहा है कि अगर भारत में भारत का जो संविधान है वो सबसे दुनिया का सबसे महान संविधान है, तो यही पर चर्चा जो है आज चल रही है और बाबा साहब को सब लोग नमन करते हैं। क्या संदेश देना चाहिए? आज के लिए संदेश यह है कि बाबा साहब के मतलब जो बाबा साहब का साहित्य है उसे देश की जनता जो है पढ़े और सारी समस्याओं का समाधान बाबा साहब के साहित्य में लिखा हो।